तुम्हें कौन सा फ्लेवर मिला? चॉकलेट और कैरेमल, वेनिला और कुकीज, मिंट चॉकलेट चिप, हैमस्टर। क्या तुम्हें हैमस्टर वाली आइसक्रीम मिली? नहीं, वो रहा हैमस्टर। वो यहाँ क्या कर रहा है? फ्लैफी, मेरा फ्लैफी कहाँ है? दोस्तों, चलो हम उसका फ्लैफी लौटाने में उसकी मदद करते हैं। चलो दोस्तों, चलो, चलो, हाँ चलो। ओके, पकड़ो पकड़ो। हाँ, मैं पकड़ लूँगा। ओबेद, चलो उसे जाकर पकड़े। अरे, बस जरा सा बच गया। ये ठीक है, इसे मैं तुम्हारी जानी फेंकू? नहीं 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 नहीं, उसे लेकर ऊपर आ जाओ। इसे मैं ले लूंगा ओबेद, तुम फिक्र मत करो। नहीं नहीं, मैं देख लूंगा, इसे मुझ पर छोड़ दो तुम। अपनी हरकतों का अंजाम देखा तुमने ओबेद? गलती तुम्हारी थी। बहस बंद करो और फ्लफी को पकड़ो। फ्लफी, इधर आओ फ्लफी। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। सालिम, तुम मेरे पैर पकड़ो और मुझे नीचे करो। मैंने पकड़ लिया, मुझे ऊपर खींचो। मेरा फ्लफी। फिक्र मत करो, ये हमारे पास है। चलो वापस ऊपर आ जाओ। पहले तुम चढ़ो, फिर मैं तुम्हें फ्लफी दे दूंगा। मैं ऐसे हिल नहीं सकता। ओके, फ्लफी को नीचे रख के तुम्हारी मदद करता हूँ। सालिम, डरो मत, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम दोनों उन पर नजर रखो और मेरे इशारे का इंतजार करो। ठीक है, आओ चले तुर्की। नहीं नहीं नहीं, तुम फ्लफी को डरा रहे हो। मुझे फ्लफी की परवाह नहीं। हम इन्हें पहन लेते हैं,
फिर हम बिल्कुल हिफाजत से होंगे। हमें जल्दी करनी होगी। शम्मा, वो नजर आ रहे हैं? वो नीचे जा रहे हैं। वो हमसे करीब 20 मंजिल नीचे हैं। ठीक है, मुझे हर बात की खबर देती रहना। ठीक है, तुम ये रस्सी पकड़ लो। लो, पकड़ ली रस्सी। इसे रोको, इसे रोको, इसे रोको। ये क्या किया? तुमने कहा था रोको, तो मैंने रोक दिया। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ठीक है, देखते हैं। उसके बजाय ये करूँ तो? हाँ। हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? रोको! मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे। मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। मुझे नहीं पता, मुझे सोचने दो। चिल्लाना बंद करो, फ्लफी परेशान हो रहा है। मंसूर, वो इमारत के दरमियान रुक गए हैं और उबैद खिड़की साफ कर रहा है। क्या क्या कहा? खैर, शुक्रिया शम्मा, शायद हम सही मंजिल पर हैं। उबैद, क्या कर रहे हो? सुनो, हम अकेले नहीं हैं। हटो पीछे, देखिए इस ग्राफ के मुताबिक कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव हैं और तरक्की के अहम तीन इलाके। आ जाओ। ओ, आप हमें माफ कीजिए, हमें अपने दोस्तों की मदद करनी है। और एक हमसर की भी। नैनो, उस परिंदे को भगाओ। ठीक है मंसूर। तुम ठीक हो? तकरीबन। हाँ, लेकिन मदद के लिए शुक्रिया मंसूर। हम बस फ्लफी को उस बच्ची को देने ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर मिलते हैं। ओह कम ऑन मंसूर, शायद हम अटक गए। फिक्र मत करो बैद, कोई तरीका जरूर होगा। बैद, मेरी समझ में आ गया, तुम्हारी लिफ्ट के गियर में कपड़ा फंस गया है। तो अब मैं क्या करूं? प्लेटफॉर्म के कोने से अपनी बाह को नीचे करो। ओके उबैद, एक काम करो, इसे थोड़ा बाएं ओर खींचो। थोड़ा और आगे उबैद, उबैद बहुत करीब हो, उसे खींचो। ये निकल ही नहीं रहा है। चलो, तुम कर सकते हो। खींचो खींचो खींचो। तुमने कर दिखाया। शुक्रिया, हम ऊपर मिलते हैं। आपसे दोबारा माफी चाहता हूँ जनाब। कोई बात नहीं, गुड लक। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा फ्लफी कहाँ है? मजाक मत करो उबैद, फ्लफी कहाँ है?
ये लो फ्लफी। मेरा फ्लफी मिल गया। फिर मिलेंगे फ्लफी। खैर आज का दिन काफी सनसनीखेज रहा। चलो दोस्तों चलकर अपनी आइसक्रीम खाते हैं। अच्छा ख्याल है। इतना कुछ होने के बाद आइसक्रीम कैसे खा सकते हैं? पैर कैसा है दादा जान? पहले से थोड़ा ठीक है लेकिन अब मैं शायद पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा। मंसूर क्या तुम मेरा एक काम करोगे? इसे देखो, ये बहुत अहम काम है। बेटा तुम इस खत को डाक में डालो। मैं खुद चला जाता लेकिन डाक घर यहाँ से बहुत दूर है। कोई बात नहीं दादा जान, अभी तो महज 12 बजे है, अभी बहुत वक्त है। जरा संभल के जाना। खुदा हाफिज। जरूर। मंसूर सुनो, सुनो मंसूर। कैसे हो तुम लोग? ठीक है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं दादा जान का ये खत डाक में डालने के लिए जा रहा हूँ। ये काम बहुत जरूरी है दोस्तों। जरूरी? बहुत खूब, यानी तुम किसी मिशन पर हो। खत को डाक में डालने? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। देखो हर काम में सनसनी हो ये कतई जरूरी नहीं होता सालेम। पहुंच गए। तो मिशन तकरीबन पूरा हुआ। हाँ? ये बंद क्यों है? अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? ओ, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि नजदीकी डाकघर कस्बे में है और मुझे ये पता है कि सेंट्रल पोस्ट ऑफिस 2 बजे बंद हो जाता है। क्या कहा, कस्बे में है? हमें चलना होगा, वो काफी दूर है और अभी 12:30 बजे। फिक्र ना करो, हम ठीक सिटी पार्क के बगल में है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, इनके मुताबिक दूसरा डाकघर पार्क की दूसरी तरफ है, बस हम पैदल चलकर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हो गया काम, चलो करते हैं। आखिर इस खत में क्या लिखा होगा? जानते हो, मुझे यकीन है तुम्हारे दादा जान खुफिया जासूस है। इस खत में जरूर खुफिया जानकारी होगी। वो जासूस नहीं है उबैद, उनकी उम्र 73 साल है। बिल्कुल, मगर वो ज़ईफ जासूस है, या फिर यूं कहें कि एक माहिर जासूस। हम वक्त पर हैं, डाकघर बंद होने में 1 घंटा बाकी है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये मिशन में तब्दील हो रहा है? हाँ, मतलब कौन सोच सकता है कि ये खत भेजना भी खतरनाक हो सकता है। हाँ। रुको, रुक जा। लगता है रेस हो रही है। अब हम उस पार कैसे जाएंगे? उबैद जरा इसे पकड़ो, कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। मैं जीपीएस की मदद से पता करता हूँ। उसके
उसके पीछे। बहुत खूब ओबैद। चलो चलो चलो। सुनिए, सुनो जरा एक मिनट। मंसूर, क्या 114 नंबर? तुमने तो रनर का नंबर ले लिया, लेकिन वो खत नहीं। शुक्रिया, माफ कीजिए, इस रेस के लिए गुड लक। अभी भी 40 मिनट बाकी हैं, चलो चले। हमने कर दिया। आखिरकार अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वाकई किसने सोचा होगा कि महज एक खत इतना परेशान कर सकता है। हाँ? अरे नहीं, ये सब हो क्या रहा है? चलो उस तरफ। जल्दी अंदर जाओ, जल्दी करो मंसूर। कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। दरवाजा पार करने का कोई जरिया नहीं है, मगर नैनो इस काम को अंजाम दे सकता है। बहुत सही उबैर्थ। कैसे हो मंसूर? तुम्हारे लिए काम है नैनो, बस के पीछे से वो खत लेकर आओ। तामील के लिए तैयार। नैनो की निशानदेही करता हूँ। इस जानिब। शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डाकघर तो 12 मिनट में बंद हो जाएगा। कभी ना उम्मीद मत हो, चलो। वहाँ एक सीगल है और उसके पास वही खत है। दोस्तों दोस्तों, देखो हम कहाँ है। वो देखो डाकघर, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई। खैर हमने कोशिश तो की ही ना मंसूर। वो रहा खत। ओह,
उससे कर दिया। आदाब दादा जान। अरे आओ बच्चों, बहुत थक गए होगे। आ जाओ ठंडा नींबू शरबत पियोगे। मंसूर वो खत डाल दिया? जी भेज दिया दादा जान, मेरे दोस्त उबैद सलेम और नैनो की मदद से। वैसे तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं दादा जान। अरे हाँ, मैंने तुम्हें महज एक खाली लिफाफा दे दिया था, मैं उसमें ये खत रखना भूल गया था, माफ करना। क्या, मुझे तो लगा वो हर हाल में कल तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। वो खत मैंने स्कैन करके ईमेल कर दिया, मुझे लगा ये तकनीक मेरे बहुत काम आएगी। वैसे ये है बहुत आसान। बच्चों मंसूर, फिशिंग रॉड्स को भरोगे जरा? जो हुकुम कैप्टन। तुर्की, सालिम, रस्सियां लपेटो। जो हुकुम कैप्टन। उबैद कहाँ है? सब हम कर रहे हैं। जरा रुको। इसे देखो, क्या कमाल का सौदा है दोस्तों। एक पर एक मूंगफली मुफ्त है, क्या बात है। उबैद, हम महज मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, हमें मछलियों को मूंगफली नहीं खिलानी है। ओह, पता नहीं ये कब काम आ जाए। ठीक है उबैद, बच्चों जाकर उसकी मदद करो। तो स्टार बोट की जानिब 3 डिग्री सबसे बढ़िया जगह वही है, ओपल समंदर में। ओपल समंदर? मैंने ये कभी नहीं सुना। ओपल समंदर, कई राज हैं इसमें। कहते हैं एक खोया हुआ जजीरा है जिसमें बेशुमार बहुत बड़े जानवर रहते हैं। ये महज एक अफसाना है ना दादा जान? हाँ, ये हकीकत नहीं है ना? हकीकत नहीं है? तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है सालिम? क्या आप पहले भी यहाँ पर आए हैं? मैं उन्हें बिल्कुल भी तरजीह नहीं देता उबैद। सालिम सही है, ये मल्लाह की कहानी है, मगर ओपल समंदर बहुत बड़ी मछलियों से भरा है जो फिशिंग के लिए मुफीद है। चलो उन्हें पकड़ने के लिए तैयार? मछली पकड़ते हैं। बचना मछलियों, अब तुम्हारी खैर नहीं। बादल, ताजुब है, यक बयक ठंड बढ़ गई। ए, बत्ती किसने बुझाई? रॉड्स अलग रखो, कोहरा छटने के बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। तब तक मैं इस कोहरे से निकलने की पूरी कोशिश करता हूँ। दादा जान, कोई मुश्किल है? पता नहीं, कंपास देखो। अजीब है, लगता है कि रेडियो भी बंद हो गया। ये बात है, ये बिजली का तूफान है, कोहरे में ये हो सकता है, बादल बहुत नीचे उड़ते हैं। और बिजली ने हमारी मशीनें बंद कर दी है। सही कहा। तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से बहुत ही जल्द निकल जाएंगे बच्चों। खैर, हम किनारे पे तो आ गए, इससे भी बुरा हो सकता था। सच में चट्टानों से बेहतर अब नुकसान का जायजा लेते हैं। ये मुड़ गया है, इसे दुरुस्त करना होगा। क्या हम कर पाएंगे? औजार तो हैं,
मगर इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, तो तुम जाकर मछलियाँ पकड़ सकते हो। तब तक मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, ख्याल कैसा है? अच्छा ख्याल है। इसे पकड़ो, मैं भी नीचे आता हूँ मंसूर। देखते हैं, औजार तो पूरे हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ पकड़ ले तो अच्छा होगा। फंस गई। मदद करो, शायद बहुत बड़ी है। देखो कितनी बड़ी है। दोस्तों ये मुझसे संभल नहीं रहे हैं। दोस्तों जरा संभाल के। दादा जान की कहानी जैसा। क्या? बड़े जानवरों का जजीरा, हम उस पर है। लेकिन ये तो महज किसी का अफसाना है, है ना दोस्तों? तो बस सही था, हमें छुप जाना चाहिए। दादा जान वो देखिए। भागो। हटो पीछे। एकदम सीधे लगा, जल्दी एक और लाओ। धकेलो। अब हम महफूज हैं। शायद नहीं। ये जानवरों को आखिर यहाँ खिलाते क्या है? अब छोड़ो भी, वो हम नहीं है तो क्या करना है? हमें नीचे जाना होगा। ऐसा लगता है जैसे कि वो कीड़ा महज खुराक था। लगता है उसकी असली खुराक हम है, मुझे पता था। रुको, मुझे लगता है ये दोस्ताना है। मंसूर, होश में तो हो? आ जाओ, ये महफूज है। देखो। तुम मुझसे दूर रहो। दादा जान। मंसूर। शायद वो बड़ा वाला इस छोटे वाले का अब्बा है। हमें उसे रोकना होगा, ये कश्ती को तोड़ डालेगा। हाँ, मूंगफली। सुना है बंदर मूंगफली पसंद करते हैं। नीचे रखो। उस में हमारा काम बन रहा है मंसूर। बच्चों रुक जाओ। बच के। समंदर। क्या इस जजीरे की हर चीज हमें खाना चाहती है? हमें छोटे की मदद करनी होगी, जल्दी मुझे फिशिंग रॉड दो। मंसूर, ये फिशिंग का वक्त नहीं है। अब देखो मेरा निशाना, ये लो। देखो, हमने मछली बेशक ना पकड़ी हो, मगर एक बड़ा परिंदा पकड़ लिया।
बड़े से केकड़े के हमले से पहले हमें लौट चलना चाहिए। चलो चलते हैं, लेकिन जब तक हम इसे सीधा नहीं कर लेते हम जा नहीं सकते। मैंने अपनी हथौड़ी न जाने पीछे कहाँ खो दी। मैं इससे करके देखता हूँ। इससे काम नहीं बना। अब हम क्या करें? अरे वाह! वाह, क्या बात है! चलो घर चलते हैं। जरा रुको, ओबेद, ये मूंगफली उठाओ। खुदा हाफिज। दादा जान, ये कोहरा, हमें एक बार फिर इससे होकर गुजरना होगा। बिल्कुल। अपनी फिशिंग रॉड्स ले लो बच्चों, हम अपनी जगह वापस आ गए। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। सब तैयार हो? सही कहा दादा जान। अपने हुनर को बेहतर करके टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहते हो तो मेरी बात को बहुत गौर से सुनो। तो अब आपके सामने पेश है एक स्मार्ट बॉल। ये एक बॉल करती है तीन बॉल्स के काम। अपने हुनर को निखारने के लिए तुम्हें बस ये चाहिए। इसमें बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे इसका बदलता साइज और वजन तुम्हें फुटबॉल के मैदान का माहिर बना देगा। इसकी पहली खासियत है इसका साइज आधा होकर तुम्हें ड्रिबलिंग करने और बॉल पर काबू करने में सहूलियत देता है। तुम अच्छी तरह समझ गए ना? दूसरी खासियत ये कि बड़ी और वजनी होकर शूट करने और हेडिंग करने के लिए बेहतर है। आसान लफ्जों में कहें तो ये आपको एक मुकम्मल और बेहतर खिलाड़ी बनाने के लिए काफी है। हमारा दावा है इसके बाद आप किसी भी दूसरी बॉल से नहीं खेलेंगे। तो फिर देर किस बात की, अभी खरीदिए। तुम्हारे वालदेन ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या नौजवान? सुना है इस बार मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। टीम में किसी की जगह पक्की नहीं है और बेंच पे भी बैठने को नहीं मिलेगा। तुम आखिरी बार कब खेले थे? तुमने आखिरी बार प्रैक्टिस कब की थी? बताओ तुम्हारा हुनर कैसा है? कितना मादा है तुम में? तुम जानते हो तुम्हें क्या चाहिए? एक स्मार्ट बॉल। तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? शायद हो, शायद नहीं भी। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मैंने खरीदने की कोशिश की थी लेकिन सब खत्म हो गई। कुछ मत कहो, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। पार्क में आके मिलना। ठीक है,
क्योंकि इसकी मांग बढ़ गई है तो अब ये 50% महंगी मिलेगी, भूलना मत। सुना है इस बार मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। टीम में किसी की भी जगह पक्की नहीं है और बेंच पे भी बैठने को नहीं मिलेगा। सुनो, क्या तुम ले आए स्मार्ट? चुप रहो, उसका नाम मत लो। क्या तुम सबको बताना चाहते हो कि हमारे पास ये है? ओह, ठीक है। क्या तुम लाए हो? क्या? स्मार्ट बॉल। मतलब वो चीज क्या तुम लेकर आए हो? ओह, वो चीज। हाँ, वो चीज मेरे पास है। तुम कौन हो? मैं उबैद हूँ। उबैद मदरसे से? हाँ, वही। मैं ये बात कैसे मान लूँ? ओह, हम एक ही जमात में है। ओह, पैसे लाए हो? हाँ, ये रहे। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? पता है कितने सारे बच्चे ये खरीदना चाहते हैं? भीड़ लग जाएगी, मेरे साथ आओ। हो? सुनो, वो मेरा जेब खर्च है। चाहो तो ये सौदा खत्म कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये आखिरी स्मार्ट बॉल है। नहीं नहीं, मुझे स्मार्ट बॉल चाहिए। तुम पछताओगे नहीं, लेकिन ये वापस नहीं होगी। लेकिन ये बात तुम भूलना मत। हो? शुक्रिया। मैंने एक और बकवास स्मार्ट बॉल एक बेवकूफ को भेज दी, है ना कमाल की बात? इसका मतलब ये है कि फुटबॉल टीम में हमारी जगह बिल्कुल पक्की हो जाएगी। हाँ, खास तौर पर जब वो बेवकूफ अपना वक्त बेवजह बर्बाद कर रहे हैं, हमारी किस्मत बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। तो अब ना स्मार्ट बॉल है और ना ही रियाज है, मुझे ना फुटबॉल टीम में जगह नहीं मिलेगी। सुनो उबैद, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे शक है, तुम स्मार्ट बॉल का मुकाबला कैसे करोगे मंसूर? आसान है, अब मैं बनाऊंगा स्मार्ट बॉल 2.0। ओके, तो देखते हैं ये कितनी स्मार्ट है। बढ़िया। हो, बेहतरीन। स्मार्ट बॉल की सभी खासियतों के साथ स्मार्ट बॉल 2.0 में हेडिंग प्रैक्टिस मोड मैंने बहुत अच्छे से इजाद की है। तुम्हारी बॉल ये करती है? इसमें बर्दाश्त के रियाज के लिए टर्बो मोड भी लगाया है मैंने। पता था ये नहीं कर सकती। और इसमें पेनल्टी मोड है जो गोलकीपर रियाज के लिए है। तुमने स्मार्ट बॉल कितने में खरीदी थी? तुमने असल में उसे क्या बेचा था? उसे भी वो आम सी बॉल उस दिन जो हमने सबको बेची थी। मुझे शक है कि वो स्मार्ट बॉल वैसी नहीं है। या ये वाली। ओके, समझ गया, ये वाकई सबसे अलग है, पता लगाना ही होगा। हमें गलती से एक अपग्रेड मॉडल मिल गया होगा जो तुमने उसे बेच दिया, हमें वापस लेना होगा। इस मॉडल में सभी खासियतें मौजूद हैं, जैसे कि सिकुड़ना, ड्रिबलिंग, हुनर को काफी बेहतर बनाने के लिए। और इसमें नॉन बाउंसिंग मोड भी है जो तुम्हारी ड्रिबलिंग को बढ़ा देता है और इससे प्लेयर को खेलने में आसानी होती है। कोशिश करो। इस बॉल का अहम हिस्सा 2.0 बॉल में थंबप्रिंट आईटी स्कैनर है, जिससे ये अपने मालिक को पहचान लेती है और उन्हीं का ही हुक्म मान लेती है और पूरा कंट्रोल प्लेयर के हाथ में होता है। क्या कहा तुमने, उन्हीं का? तुम, सालेम और मैं इस बॉल का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, क्या कोई हमारे साथ खेलना चाहेगा? यही सही मौका है।
पता है तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं ये बॉल तुमसे वापस लेने आया हूँ। क्या वाकई? देखते हैं अगर तुम वो खींच सके। आराम से, फैसला लेना इस खेल का अहम हिस्सा नहीं है। मैं इसे और भारी करूंगा। हाँ मुझे मिल गई। मेरी है। मैं लूंगा। मेरी है। मैं लूंगा। इसे मैं लूंगा। देखो वो रहा। जल्दी करो पकड़ो। हाँ प्रोग्राम होने वाली थंबप्रिंट आईडी। मैं जानता था इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और अब तुम्हारी बारी। तुम यहाँ से भाग जाओ समझे। तुम इस टीम का हिस्सा कभी नहीं बनोगे। कभी नहीं। फिर दोस्तों कल के मुकाबले के लिए तैयार हो? यकीनन हम बेहद खूबसूरत और बहुत ऊंचा रेत का किला बनाएंगे। हम दो खुफिया हथियारों की मदद से इस मुकाबले का इनाम जीत लेंगे। तो क्या तुमने कोई खास रेत बनाई है? नहीं। तो क्या तुमने रोबोटिक बाल्टी इजाद की है या नैनो के साथ कुदाल जोड़ी है? नहीं, हमारा हथियार बनेंगे साइंस और इंजीनियरिंग। हाँ? नैनो की मदद लूंगा। हवा की तेजी, उसकी नमी और रेत की खसूसियतें जानूंगा। फिर उसकी ऊंचाई का मुआयना करके दीगर मसलों की मदद से किले को महफूज रखूंगा। तुमने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहने वाला था। हाँ, मंसूर इस बार साइंस और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस साल हर हाल में मैं ही जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं हारा तो मेरा नाम बदल देना। क्या तुम साइंस और वो क्या नाम है उसका दूसरी चीज इस्तेमाल करने वाले हो क्या? हरगिज नहीं, मैं बेईमानी करूंगा। हम सबसे बड़ा रेत का किला बनाएंगे। और जीतेंगे। हमारी टीम बेहतरीन और होशियार है। ओह, माफ करना। हम जीत सकते हैं अगर तुम उसे नहीं छुओगे उबैद। अगर हम चुपके से इसमें आटा और पानी मिला दे तो हम बड़ा मजबूत और बेहतरीन सैंड कैसल बना सकते हैं दोस्तों। हाँ? तुम्हें क्या हुआ? वहाँ 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 कुछ देखो देखो रेत में कुछ है। क्या है वो? ये महज एक छोटा सा केकड़ा है। मुझे नफरत है। क्या तुम एक छोटे से केकड़े से डर गए?
डर और मैं? नहीं नहीं, दरअसल डर नहीं रहा, ये बस खाने में अच्छे हैं, नींबू नमक मिला के जायकेदार। टीम मंसूर, तुम ये कर सकते हो। सैंड कैसल मुकाबले में आप सभी का खैर मकदम है। इसमें जीतेगा वही जो खूबसूरत, मजबूत और बेहतरीन सैंड कैसल बनाएगा। सभी टीमों को बता दें कि इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें महज 3 घंटे दिए जाएंगे। अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गया। माफ करना तारिक। लो बच्चों ये पी लो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा तो बताओ सब कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। हाँ हमारा उस वाले से बेहतर है। वो लड़का कुछ अजीब है, खैर जाने दो उसे, उम्मीद है इसे पीकर तुम्हें मजा आया होगा। ये तुम क्या कर रहे हो, बड़े अजीब लग रहे हो। चुप रहो, आटा मिलाओ पानी के साथ, समझ गए? रेत मजबूत हो जाएगी, इससे छुटकारा तो मिले। क्या? अपना सिर बचा कर। बदतमीजी की हद है। देखो दोस्तों। अरे नहीं, उसे और बड़ी सीढ़ी चाहिए। मैं होती तो परवाह नहीं करती, दर हकीकत हमारा किला बेहतर दिखता है, यकीन करो। हेलो फिसडियो। अच्छा दोस्तों, काम पर तवज्जो दो, जल्दी मुकम्मल करें, देखना जीत हमारी ही होगी। आटे की बोरी दो। तुम्हें लगता है हम इसे वक्त पर तैयार कर लेंगे नैनो? हाँ जरूर कर लेंगे, अगर मौसम बिल्कुल ठीक रहा तो। तुम्हें लगता है हम जीत पाएंगे नैनो? कुछ भी हो सकता है उबैद। तो क्या तारिक जीतने वाला है नैनो? ये जजेस के ऊपर मुनासर करता है। वो ना समझ हुए तो तारिक ही जीतेगा। काश उन्हें पता हो कि तारिक बेईमानी कर रहा है। बेईमानी कैसे? उसके किले के रेत का जायजा लिया, उसमें मुझे गड़बड़ी मिली है। सच में? और क्या क्या पता किया तुमने? आटे की ज्यादा मिकदार, बहुत सारे कार्डबोर्ड और एक बेहतरीन कारीगरी और उसके साथ ही बेवजह औरों को परेशान कर रहे हैं। वो देखो। माफ करना, माफ करना। बहुत बढ़िया साथियों, लेकिन मंसूर का किला ज्यादा बेहतर है, क्यों ना इसकी बनावट थोड़ी बदल दे। चलो मेरे साथ। ना।
रही है। वक्त पूरा हुआ। अच्छा तो इस साल महज दो टीमें ही तयशुदा वक्त में अपने सैंड कैसल बना पाई हैं। अब हमारे जज फैसला सुनाएंगे। लगता है कि ये मैं ही जीतूंगा। अपने सैंड कैसल के मुतालिक कुछ बताओ नौजवान। हमने साइंस और इंजीनियरिंग इस्तेमाल की किले की मजबूती और इसकी हिफाजत के लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम एक और चीज है जिसने हमें जिताया। और सबसे अहम क्या है? मेरे सारे दोस्त, पक्का इरादा और यकीन। टीम नंबर 7 जीत गई। महज एक सैंड कैसल जो अभी खड़ा है। बढ़िया मंसूर, उबैद, सलेम, शमा, तुर्की और नानो, तुमने काइकिंग ट्रिप का इनाम जीत लिया है। मुबारक हो। बहुत खूब बच्चों, तुम सब इस जीत के हकदार हो। बचाओ, नहीं रुको, बचाओ। एक बहुत ही खास तजुर्बा, तुम्हें तेजी से फैलने वाले केमिकल से रूबरू कराऊंगा। आओ देखो। ये बहुत ही मजबूत चीज है, इसके दो कतरे ही काफी है बच्चों। अब तुम लोग इसे अंजाम दोगे, ठीक है? अपनी जगह पर जाओ। चश्मे पहन लो एहतियात पहले। अपनी परख नली में केमिकल वाय लो और बर्नर पर रखो। मेरी बात पर तवज्जो दो। अब तुम लोग केमिकल एक्स के दो कतरे लो और परख नली में डाल दो। ओबैद, माफ कीजिएगा सर, ये हादसा था। ओबैद, केमिकल्स की इज्जत करो और कायदे में रहो, समझे? चलो जमात खत्म। बराए मेहरबानी सभी लोग केमिकल लौटा दीजिए। मजे करना बच्चों। बिल्कुल वक्त पर आए हो। आप कैसे हैं दादा जान? बेहतर। तो बताओ, मदरसे में मजा आया ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने एक तजुर्बा अंजाम दिया। हमने एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाकर उसे दुगना कर दिया। ये वाकई मजेदार रहा। लेकिन उबैद ने उसे तीन गुना बड़ा कर दिया, वो भी ज्यादा केमिकल मिलाकर। अच्छा उबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना,
तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। ये जायकेदार है और मुझे भूख भी लगी है। अरे रुको जरा, मुझे और ऑलिव चाहिए। हेलो दोस्तों, अपनी बस्ते अंदर रखना चाहोगे? जरूर, अच्छा रहेगा। तो चलते हैं। लो ये पियो। शुक्रिया। शुक्रिया। मैंने कुछ सुना। हरीश। खुशबू कमाल की है। जायका भी अच्छा है। कौन कौन लेना चाहेगा? वो क्या है? ये अंदर कैसे आया? ये लो बैद। शुक्रिया। कमाल का है, काश और भी होता। हाँ? अच्छा ओबेद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना, तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। एक कतरा। अच्छा। जानते हो क्या, मेरा भी जवाब नहीं है। उबैद, ये तुमने क्या किया? उबैद, तुमने इसमें कितने कतरे डाले? क्या दो डाले या के चार? बोलो। उबैद, उबैद, जल्दी से जाकर चूल्हे को बंद करो, इसका फैलना रुक जाएगा। जल्दी यहाँ से निकलो। सब ठीक तो है ना? ये आवाज कैसी? ये आखिर हो क्या रहा है? महफिल तो काफी अच्छी है, लेकिन हमारे पास ज्यादा हरीश नहीं है। ओह नहीं, आखिर ये सब हुआ कैसे मंसूर? देखो अब भला ये क्या है। हम इस वक्त एक गार्डन पार्टी से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देखिए बेशुमार हरीश, जो कि इस घर से लगातार निकलता जा रहा है। कुछ ही लम्हों में ये इस शहर को अपने आगोश में ले लेगा। हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ और कब खत्म होगा, और हमें कोई अंदाजा नहीं ये कैसे रुकेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मंसूर, ओबेद, सालेम, क्या मुझे कोई इस खबर के बारे में बताएगा? किसी ने केमिकल एक्स की शीशी नहीं लौटाई थी। सर, ये बस एक हादसा था। ये मेरे बस्ते में जा गिरी और... यकीनन। और ये हरीश में कैसे जा गिरा? मैंने खुद डाला, मेरा मतलब सारा का सारा। ओबेद, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? सर, मैं महज इसकी तादाद बढ़ाकर ये सबको खिलाना चाहता था। मेरा इरादा अच्छा था। तुमने आग बंद कर दी थी? नहीं, हमने कोशिश की लेकिन चूल्हे तक हम पहुंच नहीं पाए। क्या तुम्हें पता है आग ना बंद होने पर ये बढ़ता जाता है? क्या हम इसे उल्टा कर सकते हैं दूसरे केमिकल की मदद से, या कोई ठंडा केमिकल मिलाकर? क्या ये मुमकिन है उस्ताद अली? हाँ, मुमकिन है, किताब में। नैनो, अपने डाटा बेस को चेक करो और मुझे बताओ क्या इसे उल्टा करने का कोई जरिया है। समझो, हो गया। शुक्रिया नानो। उस्ताद मिल गया। ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मदरसे जाना होगा। आओ चले। तो हो जाए। संभल कर रास्ते से हटिए, माफ कीजिए, हम जल्दी में हैं। ठीक है, केमिकल वाई पढ़ाता है। घटाने वाला सर्द केमिकल। हे, हमने कर दिखाया, इसकी मदद से काम बन जाएगा। आप बहुत जहीन है उस्ताद अली, आपका कोई जवाब नहीं। बहुत खूब, अब चलते हैं। हरीश अभी भी फैल रहा है, बगीचे की दीवारें रोक रही हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं। हट जाइए रास्ते से, हम आ गए हैं। हाँ, तो
हमें जल्दी बताओ मंसूर, हरीश को रोकने का केमिकल मिल गया? हमें इसकी कामयाबी के लिए उसे हरीश के बर्तन में डालना होगा। हम कैसे करेंगे? मैं इसे खाते खाते अंदर जाऊंगा। उबैद, बेहुदा ख्याल है। मिल गया। नैनो परवास करके वहाँ जाएगा और इस केमिकल को उसके ऊपर गिरा देगा। नैनो, जल्दी शम्मा के घर के अंदर जाओ, मामला बहुत संजीदा है। नैनो, जाओ इसे हरीश के ऊपर फैला दो। ठीक है मंसूर। ओ, नैनो। अब हम क्या करेंगे? अब बामुश्किल एक ही बचा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि हम इसे बावर्ची खाने तक कैसे पहुंचाएंगे। हाँ, तुम्हें हैरत अंगेज कहानी चाहिए? यकीनन बच्चे। तो मुझे उस हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मैं न्यूज लाइन की जानिब से हरीश की लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये मंसूर है, इस घर की मालकिन का दोस्त, जहाँ ये हादसा हुआ। मंसूर ने एक ऐसा केमिकल इजाद किया है जिससे हरीश वापस सिमट जाएगा और खतरा टल जाएगा। वो खुद इस कारनामे को अंजाम देने वाला है। एहतियाती जैकेट? बिल्कुल सर। और हेलमेट? उसे पहन लिया। चश्मा पहनना मत भूलना। पहन लिया सर। और सर्द केमिकल? ये रहा, अब मैं घर के अंदर जाता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वो कूदने जा रहा है। माहौल संजीदा है, मंसूर को मुकाम तक पहुंचना होगा। मंसूर हरीश पर कूद चुका है। ये जाबाज और बहादुर नौजवान अपने सही मुकाम तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये निहायत खतरनाक है, क्या वो अंजाम दे पाएगा? उसने कर दिया, ये काम कर रहा है और हरीश सिमटने लगा है। अब हम महफूज है, खतरा टल चुका है। आइए स्टूडियो चलते हैं। तुम बच गए। बहुत खूब मंसूर। उबैद, क्या मेरी अगली पार्टी का जिम्मा लोगे तुम? नैनो, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम खैरियत से हो? हरीश सर्किट में नहीं है। शुक्रिया। तो उबैद, उम्मीद है तुमने सबक ले लिया होगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो अब से केमिकल के नजदीक भी कभी नहीं जाऊंगा। मेरी गलती। जल्दी करो मंसूर, ये पी लो। किताब के मुताबिक हम मछली पकड़ने के लिए बेहतरीन जगह पर हैं। वैसे ये जगह किनारे से दूर है, लेकिन यहाँ मछलियाँ बड़ी तादाद में हैं। हाँ, हाँ, दादा जान, देखिए। क्या? अरे, ये अचानक आज धुंध कैसे हो गई? मगर ये धुंध तो बहुत ही चमकीली हरी है, वही तो ताज्जुब है। हम लोग इंतजार करेंगे, फिक्र मत करो, ये धुंध जल्द ही छट जाएगी। पर हम किसी से टकरा गए तो? उबैद, ऐसी कोई बात नहीं है, हम समंदर के बीचों बीच। अरे वाह, जरा रुको, ये यहाँ कैसे? Yeah.
क्या हम जजीरे का मुआयना कर सकते हैं? हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। मैं इंजन ठीक करके पता लगाता हूँ कि हम कहाँ हैं। उसके बाद हम मछली पकड़ेंगे। बिल्कुल। चलो। वो देखो दोस्तों, वहाँ से जजीरा बेहतर दिखेगा। मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। मैं भी नहीं। ठीक है, अब तुम दोनों यही इंतजार करो। तुर्की, क्या तुम उस पर चढ़ोगे? नहीं, सिर्फ चढ़ूंगा नहीं बल्कि पहले पहुँचूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है? वो हमें जीत गया। नहीं तुर्की, रुक जाओ। ये कोई मुनासिब जगह नहीं है, ये घोंसला है। मगर ये इतना बड़ा अंडा किस परिंदे का हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतनी देर क्यों लग रही है? उबैद, ये तुम्हारा पेट था? नहीं, बल्कि ये शोर तुम्हारे पेट का है। लगता है जैसे, रुको, नामुमकिन। नैनो, इस परिंदे की शिनाख्त करो और बताओ। मंसूर, ये एक टेरोडेक्टाइल है, ऐसी नस्ल जो लाखों साल पहले खत्म हुई मानी जाती है। डायनासोर? मंसूर, ये क्या हो रहा है? मैं खुद भी हैरान हूँ। अरे नहीं, इन्हें भूख लगी है। सालिम, ये पत्थर क्यों हिला आखिर? हमारे चारों तरफ डायनासोर्स हैं और तुम कह रहे हो डरो मत। सुनो सलेम, हम यहाँ हिफाजत से हैं। नैनो, जाओ इसे दूर भगाओ। बच गए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम क्या करेंगे? मुझे जरा भी नहीं लगता वो परिंदा गोश्त खोर है, इसलिए बिल्कुल मत डरो। ठहरो, तुम
तुम्हें कैसे पता वो गोश्तखोर नहीं है? एक तरकीब है। उबैद तुम नीचे जाओ, तुम्हें खा लिया तो उसके बाद हम यहीं रुक जाएंगे। उबैद घबराओ मत, उनकी खुराक देखो। ठीक है, कश्ती पर वापस चलते हैं और जजीरा छोड़ देते हैं। आ जाओ। हमें उन दरख्तों से गुजरना होगा। ओ नहीं, ये क्या हो बैठ? जरा देखो। वो टी रैक से बचकर भाग रहा है। क्या? ऐसी कोई चीज नहीं। हाँ, हमने अभी देखो, टी रैक उसके पीछे है। जल्दी ऊपर आओ। चलिए दादा जान। ए, ख्याल अच्छा है। वैसे कमाल है, इसका मतलब जानते हो तुम? इसका मतलब कि ये किताब निहायत ही बकवास है। तो चलो बच्चों, अब खेल का वक्त पूरा हुआ, मछली पकड़ते हैं। जिस काम के लिए आए थे वो तो कर ले। कंप्यूटर सिस्टम को फिर से देखो। सारे सिस्टम एकदम ठीक है। बेहतर। दर हकीकत हमें एक टेस्ट पायलट की जरूरत है। क्या? उबैद जवाब दो। कुछ सुना?
सुन रहा हूँ, बिल्कुल साफ और तेज। कम्युनिकेशन ठीक है। क्या बेहतरीन चीज है। और थ्रस्टर्स ठीक है। स्टेबलाइजर वो भी ठीक। और पैराशूट। और पैराशूट। कंप्यूटर पैराशूट कहाँ है? पैराशूट कहाँ है? कंप्यूटर पैराशूट गिरना बंद करो। पैराशूट कहाँ है? सिस्टम को किसी तरह रिबूट करो। कंप्यूटर मुझे पैराशूट चाहिए। कम से कम इसका स्टीयरिंग सिस्टम तो काम कर रहा है। ड्यूरेबिलिटी जांच हुई। हम जाने को तैयार हैं। चेक ईगल फोर्स टू कमांड सेंटर। मैं ईगल वन बोल रहा हूँ, क्या तुम सुन रहे हो कमांड सेंटर? हेलो मंसूर। हेलो दोस्तों। सुनो कमांड सेंटर, फिर सुनो, ईगल वन बोल रहा हूँ, क्या तुम सुन रहे हो कमांड सेंटर? ओके कमांड सेंटर टू ईगल वन, तुम परवाज कर सकते हो। कंप्यूटर चालू करो। ठीक है, हमें ये देखना है कि इन जेट पैक्स की काबिलियत क्या है। दोस्तों याद रहे, ये अभी तक इम्तिहान के दौर में है, हमें इंतहाई एहतियात बरतनी ही होगी। समझ गए? समझ गया। समझ गया। चलो चल के कुछ बदमाशों को पकड़े। बदमाशों होशियार। हमारा ऑपरेशन ईगल आई अब शुरू होता है। This is command center to Eagle One. सुनो सुनो Eagle One, कोई बदमाश पकड़ा क्या? दरअसल हम जेटपैक्स का इम्तिहान लेने के लिए ऊपर परवाज कर रहे हैं, बस इतना ही। ओह, तो तुम्हें सुपर हीरो बनना पसंद नहीं है? हम जेटपैक्स का इम्तिहान ले रहे हैं। दुनिया बचाने की ख्वाहिश नहीं है, जेटपैक्स का इम्तिहान ले रहे हैं। सच में हम बस इतना ही कर रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वो बच्चे हो जो इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से बदमाशों को पकड़कर दुनिया को बचा सकते हैं। सही कहा, बदमाशों को पकड़कर हीरो बनना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। कम से कम हम सब ऊपर हैं, इस खुले आसमान में परिंदों की तरह। मैं ठीक हूँ। कंप्यूटर रिबूट करो। चलो खैर, तुमने बिल्ली को तो बचा लिया। आजा। अब
बदमाशों को ढूंढने की बारी है। यही मौका है ईगल फोर्स के लिए, चलो उसे बचाएं। जान जाते जाते बच गई। हमारी ईगल फोर्स उसे बचाएगी। ओ, 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 क्या नहीं, वीडियो बंद हो गया है। मुझे नीचे उतारो, जाने दो मुझे। नीचे उतारे सचमुच? देखो तुम समझ तो रहे हो ना। फिक्र मत करो, तुम अब महफूज हो। अरे नहीं, वजन ज्यादा है खबरदार, वजन ज्यादा है खबरदार, अपना वजन कम करो। मंसूर, कंप्यूटर रिबूट करो। क्या हो रहा है? अब इसे क्या हुआ? काम क्यों नहीं करता? काम क्यों नहीं कर रहा? चलो भी। रुक जाओ, देखो वो पहचाना सा लगता है। अरे हाँ, तुमने सही कहा, ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। क्या बात है, इसका मतलब जानती हो? उन्होंने वाकई बदमाश को पकड़ा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने असली बदमाश को पकड़ लिया है। ज्यादा वजन खबरदार, ज्यादा वजन खबरदार, अपने वजन को कम कीजिए। ये क्या, जेट पैक्स में इतना वजन सहने की ताकत होनी चाहिए थी। वजन उठाने की ताकत बढ़ा दी गई है। उसके पास एक भारी थैला है। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है, हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या, उनकी खुफिया पहचान का क्या होगा? हाँ हाँ, तुम सही हो, पुलिस को बुलाते हैं। ईगल फोर्स सुनो, ये कमांड सेंटर है, चोर के बैग पर नजर डालो। बैग? रुको रुको, बैग भूल गए। देखिए सर, आप इसे भूल गए। ऐसा क्या? अब मैं क्या कहूँ? शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। ईगल 1-2 कमांड सेंटर सुनो, अब हम सब घर लौट रहे हैं। सुनो सुनो ईगल 3-2 ईगल 1, सुनो ईगल 3-2 ईगल 1। क्या हुआ उबैद? दर हकीकत सुपर हीरो वाला जो काम है वो न मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, समझे? हमने असली बदमाश नहीं पकड़ा, और वो चोर तो शुक्रगुजार भी नहीं था। सब भूल जाओ, हमने कोशिश तो की। दोस्तों दोस्तों रुको, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मेरी बात गौर से सुन लो। ओ नहीं,
ये चिड़िया घर कहाँ है? पास में ही है क्या? बस हम पहुँचने ही वाले हैं। मैंने नेविगेशन सेट कर रखा है। मंसूर, चिड़ियाघर में नया रेप्टाइल हाउस बना है। वहाँ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है। पता है, और मुझे उसे देखना है। 50 मीटर बाद दाएं मुड़े। इसे क्या हो गया? देखते हैं। मंसूर, आसमान को देखो। वो क्या है? वो क्या है? ये जगह शहर कहाँ है? ये हम कहाँ आ गए? सारी गलती इस मशीन की है। मैं विंडशील्ड का वाइपर चालू करता हूँ। ख्याल तो अच्छा है मंसूर। आओ चलो। ये सांप हमारे पीछे आ रहा है। और हमारी जानिब भी। दादा जान और तेज। संभल के, ये तो नाहमवार होगा। अरे उबैद, अपनी सीट बेल्ट लगा लो। अब ये क्या है? क्या उड़ रहे हैं? तुम्हें यकीन नहीं होगा, वो देखो। मुझे वाकई इनमें जरा भी मजा नहीं आ रहा है। ये इंतहाई इंटरैक्टिव है। ऐसा लगता है ये चिड़ियाघर नहीं है। साले, देखो। दोस्तों, पता नहीं वो बास पहले किसे खाएगा, सांप को या फिर हमें। रुको, हॉर्न बजाता हूँ। रुकिए, अगर उसने गिरा दिया तो। अरे हाँ, हम गिर रहे हैं। लगता है महफूज है फिलहाल। मुझे ये पसंद नहीं, वो अंडा तो हिल रहा है। इसके अंदर कुछ है। अगर अंदाज लगाए तो उबैद एक परिंदा हो सकता है। ये बच्चे भूखे होंगे, ये अंडे से अभी निकलने ही वाले हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये संभल नहीं रही है, सभी सीट बेल्ट लगा लो। दादा जान, अब क्या करेंगे? हमें परिंदे से दूर रहना चाहिए, वो कभी भी आ सकता है। ये जगह तो सच में पुरानी है, बहुत पुरानी। मंसूर, आखिर ये कैसी जगह है? सही सवाल तो ये होगा उबैद, हम कहाँ हैं? ना कि ये कैसी जगह है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम शायद टाइम पोर्टल के जरिए यहाँ आए हैं। पेट्रोल खत्म हो गया, उनसे मांग लेते हैं। उम्मीद है यहाँ के लोग दोस्ताना होंगे जानवरों के मुकाबले। वो क्या है? बिना घोड़ों का लोहे का रथ है। बेहतरीन। माफ कीजिए, हम सभी यहाँ खो गए हैं। हम चिड़ियाघर ढूंढ रहे थे, लेकिन जब चिड़ियाघर ढूंढ रहे हैं, हमने ये पहले कभी नहीं सुना। दादा जान, लगता है यहाँ पे अभी तक चिड़ियाघर इजाद नहीं हुआ है। तुम कहाँ से आए हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आप मदद कर सकते हैं। हाँ, नासिर अल तुसी को सब मालूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ का सबसे जहीन शख्स है और सुल्तान का खास साइंसदान भी। आ जाओ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेहरबानी, रहनुमाई करें। आदाब अब्दुल, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ये अजनबी है और आपकी मदद के तलबगार हैं। मैं एक बहुत ही अहम नाजुक तजुर्बे के दरमियान हूँ। सराय बेहतर रहेगी, बेहिसाब खाना और रहना। तो अगर आप माफ करें। रुकिए। क्या? समझ नहीं आता, आप हैं कौन? मैं मंसूर हूँ, हम सब मुस्तकबिल से आए हैं। हाँ, ओह ऐसी बात है, आइए इसे अपना ही घर समझिए। खैर, मुझे अंदाजा था कि एक दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या मतलब है आपका? ये इसे बनाने में मुझे 10 साल लग गए। ये वक्त है, हम इसे नाप सकते हैं, लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते। वक्त मुस्तकबिल की जानिब बहता है, जैसे नदी समंदर की जानिब। हम इसकी राह बदल सकते हैं, इसे पहाड़ पर ले जा सकते हैं। इस वक्त मैं एक अहम मुद्दे पर काम किए जा रहा हूँ। मैंने वक्त को बदलने की तरकीब इजाद की है, जरा गौर से देखें इसे। क्या ये टाइम मशीन है? सही कहा, ये मुस्तकबिल को खींच कर लाती है आज के वक्त तक, जब तक वो दोनों मिल ना जाए।
और आप अभी तक उसी मशीन पर काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल, और शायद मैं ही तुम्हें यहाँ ले आया। इसका निशाना उस जानिब किया था, खाली रेगिस्तान की जानिब, इससे बचने के लिए। मगर मुस्तकबिल के शहर तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बड़े, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं थी। ठीक है, तो क्या आप हमें मुस्तकबिल में भेज सकते हो? माफ करना, शायद नहीं। यक बयक मशीन बीच में बंद पड़ गई है, मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हम यहाँ फंस गए हैं? ये वोर्टेक्स अभी भी आसमान में है। आपके पास दूरबीन है? हमारा शहर मैं देख सकता हूँ। आपकी मशीन ने आसमान में वोर्टेक्स बना दिया, इसके जरिए हम मुस्तकबिल में बहुत आसानी से जा सकते हैं। मंसूर, ये सिकुड़ रहा है। हमारे पास वक्त कम है, अगर हम वोर्टेक्स तक नहीं पहुंच पाए तो हम सब यहीं फंस जाएंगे। मुस्तकबिल एक बेहतरीन जगह होगी। तुम घोड़े इस्तेमाल नहीं करते, क्या ये सच है? बिल्कुल, लेकिन ईंधन की जरूरत होती है और वो 300 साल तक इजाद नहीं किया जा सकता है। ईंधन? ईंधन तो यहाँ बहुत है। आपका बहुत शुक्रिया। इसके लिए एक अलग किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। मंसूर, क्या पता हम वापस जा पाएं? क्या ख्याल है? नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कुछ तेज चाहिए। खबरदार, ये रॉक है, सब भागो। अब हम क्या करें? याद है रॉक हमें यहाँ लाया, यही वापस ले जाएगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे पास एक तरकीब है। तैयार? तैयार। वो वापस आ रहा है। खुदा तुम्हें कामयाबी दे मेरे दोस्त। शुक्रिया, हम एक दूसरे को और समझते अगर वक्त होता। हमें इसी से इत्मीनान करना चाहिए मंसूर। अब और तजुर्बे नहीं। पकड़ लिया, चलिए जल्दी। और अब हमें रॉक को सीधे वोर्टेक्स तक ले जाना होगा। नैनो, तुम्हें पता है क्या करना है? हाँ, पता है मंसूर। गए। तुर्की, क्या तैयार हो? तैयार। तो चलो अब जल्दी। हमने कर दिया, हम महफूज हैं। नैनो, नैनो कहाँ है? मैं पेट्रोल का इंतजाम करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। जरूर दादा जान, अभी महज 11 ही बजे हैं। लगता है हम गए नहीं थे। हमारे पास अभी भी चिड़ियाघर जाने का वक्त है। ओ, हरगिज नहीं, मैं आज बड़े सांप बहुत झेल चुका। ओ, आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है? We'll be right back.
मैं अपनी वर्ल्ड कप एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने का इंतजार नहीं कर सकता। जरा संभाल कर। सॉरी, लेकिन अगर तुम अपनी कीमती बॉल के लिए परेशान हो तो अच्छा होता कि तुम अपनी बॉल को अपने हाथ में ही रखते। अरे नहीं, अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, म्युनिसिपैलिटी ने पार्क में एक फुटबॉल का मैदान बनाया है, वहीं चलकर खेलते हैं। पास करो, पास करो। यहाँ मेरी जानिब। ये मुनासिब नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यहाँ भी वही हाल। फुटबॉल नहीं, लगता है आज का दिन ही खराब है। कोई तो जगह होगी जहाँ हम खेल पाएंगे, है ना? वहाँ मिल गई। पास करो। ओबेद, अपना जाविया बदलो, अपना सोना बचाओ, घूमने वाले शॉट को तवज्जो दो। इनमें से पहले क्या करूं? ओबेद, तुमने गोल क्यों होने दिया? इतने हुक्म दोगे तो सच कह रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जगह बदल लेते हैं। तैयार? तैयार। भागो ओबेद। बहुत खूब ओबेद। फाउल। ये तो पेनल्टी है। मुझे माफ करना। देखो, तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना चाहिए। ध्यान से सुनो, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, मेरी बॉल। नहीं, माफ करना। अच्छी किक मारी ओबैद। बगीचे की हालत तो देखो। मेरी बॉल कहाँ है? उसे ढूंढने में तो घंटों लग सकते हैं। तो ठीक है, अब ढूंढते हैं। चलो अब ढूंढना शुरू करो। मैं बॉल को इधर उधर नहीं ढूंढ सकता हूँ, बगीचे के मालिक ने मुझे पकड़ लिया तो। यहाँ कोई मालिक नहीं है, अब ये मकान खाली है। मैं और सलेम अंदर जाकर देखते हैं कि कोई है तो नहीं। बेहतर, शुक्रिया। ए, थोड़ा आगे बढ़कर देखो, क्या तुम्हें बॉल दिखाई देती है? नहीं नहीं दिख रही, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तुम ठीक हो? हाँ, शुक्र है कि मुझे इस घास ने बचा लिया। अच्छा ठीक है, अब जरा देखो मेरी बॉल कहीं है क्या? देखता हूँ। मुझे कुछ मिला। क्या मिला? ये। वाह, तुम बस मेरी बॉल को ढूंढो। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई नहीं रहता, फिर भी देख लेना चाहिए। देखो। हाँ। आज तुम्हारा जायकेदार खाना बनाऊंगी। इसका क्या मतलब है मंसूर? पता नहीं, लेकिन हमें उबैद और तुर्की को वहाँ से हटने के लिए कहना होगा। तुर्की। उबैद कहाँ है? वो बॉल ढूंढ रहा है। उसे बुलाना होगा, इसमें कोई रहता है। सच में? हमने किसी को अंदर जाते हुए देखा है। हाँ, कोई बेहद डरावना। उबैद, उबैद। मुझे बॉल तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन मुझे ये मिला है। फिक्र मत करो, वो फिर से चला गया, अब हम क्या करें? मैं और सलेम अंदर जाकर डोरबेल बजाते हैं। हम लोग? हाँ, हम दोनों। इससे वो थोड़ी देर के लिए उलझ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? उबैद को बाहर निकालो, और क्या? ठीक है, पहले हम डोरबेल बजाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने गलती से अपनी बॉल अंदर किक कर दी। क्यों, ठीक है ना? तैयार? अब तक तो नहीं। वो देखो। दुएस, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बाहर कौन है? हमें निकलना चाहिए।
सुनो ओबेद, शायद तुम्हारी बाल मिल गई। ओबेद कहाँ है? वो बगीचे में है, मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्यों? ये खतरनाक जगह है, ये दुवेस का घर है। मगर वो कौन है? वो एक शैतानी औरत है जो लोगों को खाने की महक से अंदर बुलाती है, फिर उन्हें खा जाती है। ओबेद, क्या हुआ? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आ जाओ, तुरंत वापस यहाँ आओ। लेकिन मुझे तुर्की की बॉल अभी तक नहीं मिली। बॉल की फिक्र मत करो। पहले कहा बॉल ढूंढो और अब कहते हो कि ओबेद उस बॉल को भूल जाओ। तुम एक फैसला क्यों नहीं करते? तुम बस आ जाओ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। लजीज खुशबू है, बेहतरीन। ओबेद नहीं। क्या खुशबू है? उम्दुवेस ने ओबेद को पकड़ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? उसे बचाना होगा। ओ नहीं, हमें देखना चाहिए। ठहरो, एक तरकीब है। ओबेद, खैरियत से हो? आखिर मुझे क्या होगा? हमने गिरने की आवाज सुनी। ओ, मैंने गिलास गिरा दिया। तुम लोग परेशान क्यों हो? हिफाजत के लिए। हिफाजत किससे? हिफाजत उससे। मैं तुम्हें खाऊंगी। तब तक मैं जायकेदार कॉफी पी लूं। ओह बच्चों, खुशामदीद। तुम खजूर खाओगे? मेरे बगीचे के हैं। शुक्रिया। मैं पिछले 2 साल से बाहर थी। तुम्हारे दोस्त ने इस बगीचे को दुरुस्त करने में मेरी मदद की। हाँ, और इसके बदले में मुझे बेहतरीन मजबूस मिलने वाले हैं। ये मेरे करीबी दोस्त हैं। ये मंसूर, ये तुर्की और सालिम, और ये खातून मेरी नई दोस्त है, मिसेस डारविश। हाँ, लेकिन बाहर तो लिखा है कि आप उम्दुवैस हैं। नहीं, दरअसल ये दारविश ही है, मगर उस पर धूल जम जाने से ये दुवैस जाहिर होता है। दोस्तों, क्यों ना हम पहले बगीचा दुरुस्त कर दे और फिर साथ बैठकर हम लुफ्त उठाएंगे मजबूस का। बहुत खूब बच्चों, बगीचा खूबसूरत लग रहा है। अब अंदर आओ और खाने का लुत्फ उठाओ। तुम्हारी मदद का शुक्रिया बच्चों, चलो शुरू करें। तुम यकीनन खुश होगे जो मैंने तुम्हारी बॉल अंदर किक कर दी। बेहतर,
हम इस पर काफी वक्त जाया करके खूबसूरत लम्हों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरा एक मशवरा है, इसका इस्तेमाल कम करें और कुदरत का मजा लें। आप कुछ कहना चाहेंगी मरियम? तो इस बार हम छुट्टियों में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सालिम और उबैद भी आए तो अच्छा है। मजेदार, हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे? हाँ जरूर, शुक्रिया। हम कब जाएंगे? अगले हफ्ते, जब नासिर कॉलेज ट्रिप पर लंदन जाएगा। इससे हमें बहुत फायदा होगा। हाँ। रेंजर जो, मेरे परिवार से मिलिए। बच्चों इन्हें सलाम करो। सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मरहबा, मरहबा। आप सभी का खैर मकदम है। देखिए ये आपको पसंद आएगा। ये एक बेहतरीन रिसॉर्ट है। इसका नाम है डोंगा डोंगा। रिसॉर्ट डोंगा डोंगा। ये बेहद ही खूबसूरत है, यकीनन मजा आएगा। क्या वहाँ वाईफाई है? अच्छा रेस्टोरेंट भी है? बिल्कुल क्यों नहीं, सब कुछ है। लेकिन अब्बा के मुताबिक तो तुम्हें इनसे निजात पानी है ना? तुम लोग फिर से, तुम तीनों लड़के मेरे साथ चलोगे। बात समझ में आई ना? बताओ। एक मिनट, मैं समझ नहीं पाया। मतलब हमें चलते जाना है, चलते जाना वहां है। वहाँ पहुँचने में हमें कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे। इतना बुरा भी नहीं है ये। पैदल चलकर? तकरीबन 3 दिन। 3 दिन? तकरीबन 3 दिन? हाँ, अगर तेज चलें तो। ये अच्छा तजुर्बा होगा तुम्हारे लिए। यकीन करो, ये वाजिब शख्स हैं। रेंजर जो सबसे वाकिफ है। घूमने का मजा लो भाइयों, मैं पूल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो बच्चों, ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन तजुर्बा होगा। क्या खाक तजुर्बा होगा हमें इससे। इसी लम्हे से कुदरत की मौसिकी और रवानी को महसूस करो। अपने आसपास के नजारे भी तो देखो। तो बच्चों, गर्मी लग रही है? धूप बहुत तेज है। हो, क्यों ना तैर कर ताजा दम हो लिया जाए। दोस्तों वो चिढ़ा रहा है। हरगिज नहीं उबैद, यहाँ देखो। क्या कूद जाओ, ये तैरने के लिए बहुत अच्छा है। मगरमच्छ। माफ करना, मैंने बात मुकम्मल नहीं की थी। इसमें कोई मगरमच्छ नहीं है, ये बिल्कुल महफूज है। ओह, यहाँ तो सिग्नल नहीं है। बिस्तर भी आरामदायक नहीं। मुझे भूख लगी है। आ जाओ, चलते हैं। हमें दूसरी कहानी सुनाओ रेंजर जो। ठीक है, एक कहानी है। एक प्यारा सा लड़का था जो आग के नजदीक बैठा था, मगर उसे एक सेंटीपेड के अपने पीछे आने का इम्कान नहीं हुआ और वो सेंटीपेड चलते चलते उसके नजदीक और नजदीक आ गया। लेकिन वो लड़का बिल्कुल बिना हिले बैठा रहा। हालांकि उसके दोस्तों ने इशारे से उसे खबरदार किया, पर कोई हासिल नहीं हुआ।
अच्छी अदाकारी, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बस फिर क्या होना था, वो सेंटीपेड धीरे धीरे ठीक पीछे आ गया। एन उसके सिर पर था, तभी एक जाबाज रेंजर ने उसे दबोच लिया, बिल्कुल ऐसे। वो एन मेरे सिर पर था। ये कहानी तो हकीकत से लबरेज थी। अच्छा बच्चों, सोने का वक्त हो गया, हम यहाँ से दरिया के साथ साथ ही चलेंगे और फिर ये रास्ता लेंगे और दोपहर तक हम रिसोर्ट पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपके लिए वाईफाई, एक नरम बिस्तर और लजीज खाना इंतजार कर रहा है। तुम दोनों उससे जाओगे और हम इससे। बात समझ में आई? पैदल का अलग ही मजा है और नजारे भी दिखते हैं। लेकिन सुनो, यहाँ पहुंचकर दाहिनी तरफ ही रहना, ख्याल रहे बाईं तरफ बिल्कुल मत जाना। मेरी बात समझ गए ना? क्यों? जंगली नेली। कौन जंगली नेली? एक बहुत बड़ा और खतरनाक झरना। तो ठीक है, चलो चलते हैं। कि मैंने कहा था, तुम लोग जंगली नेली से दूर रहना बच्चों। तुमने सुना उबैद? उबैद मैंने कहा था इस जानिब पैडल चलाओ तेजी से। चला तो रहा हूँ, देख नहीं रहे क्या? मुझे लगता है वो दोनों जरूर कर लेंगे। हाँ, किस कर लेंगे? वो नहीं कर पाए मंसूर। वो हम हर किस नहीं कर पाए। ओह, ये ठीक नहीं है। अब हम क्या करें? हमें वहाँ जाना होगा और रस्सी फेंक कर खींचना होगा। को हम कुछ करते हैं। अब ये रस्सी पकड़ो। एक रास्ता है, रस्सी लाइए। रस्सी फेंकिए मेरे पास, इसे पकड़ो दोस्तों। मेरी जिंदगी में मैंने किसी को वहां तक जाते हुए नहीं देखा। तुम दोनों मेडल के हकदार हो। तुमने सुना सालिम? सुना, हमें मेडल मिलने वाला है। क्या हमें मेडल मिलेगा कि नहीं? तो बच्चों, हम पहुंच गए। तुम्हारा मनपसंद वाईफाई और नरम बिस्तर और लजीज खाना तैयार है। मुझे लगता है हमें यहाँ कुछ और देर रुकना चाहिए। वाईफाई को जरा आराम करने दो। हाँ, और किसे चाहिए नरम बिस्तर? बिल्कुल ठीक, वैसे भी वो नाशपाती का अचार नहीं देते। इस हैरत अंगेज तजुर्बे के लिए आपका शुक्रिया रेंजर जो। तुम्हारा भी शुक्रिया रेंजर मंसूर।
आदाब अम्मी। आदाब बच्चों। आदाब। अरे वाह, मुझे पेंटिंग पसंद आई। शुक्रिया उबैद। हाँ, ये कमाल की है। पता है अम्मी की सारी पेंटिंग्स को कल सिटी हॉल में लगाया जाएगा। बेहतरीन। मैंने एक आर्ट क्रिटिक को इनवाइट किया है, तो मुझे इसे मुकम्मल करना है। अगर तुम भी चाहो तो हर चीज बावर्ची खाने में मौजूद है। हाँ जरूर, शुक्रिया अम्मी। बहुत मजा आएगा। मैं हमेशा चाहता था। हम क्या पेंट करें? हाँ, मुझे पता है। हाँ? क्या? एक दूसरे को। मुकम्मल। और मेरी भी हो गया। ठीक है, मेरे तीन गिनते ही हम एक साथ इन्हें घुमाएंगे। एक दो तीन घुमाओ। हाँ? क्या? रुको दोस्तों, ये तो मेरी तरह बिल्कुल नहीं लगता। देखो तो, तुम नाबीने तो नहीं हो। मैं ना इसे तुम्हारे साथ। बच्चों क्या बात है, ये मेरे जैसा नहीं है। पेंटिंग का हूबहू होना कतई जरूरी नहीं है। ये पेंटर का अपना नजरिया होता है, जैसा वो देखता है। इनमें अच्छाइयाँ भी हैं। सच में? हाँ मंसूर, तुमने बहुत अच्छे रंग इस्तेमाल किए हैं। सालिम, तुमने रोशनी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और ओबैद, तुम्हारा अंदाज अलग और हिम्मती है, बहुत खूब। अब खामोशी अख्तियार करें ताकि मैं इसे मुकम्मल कर सकूं नुमाइश के लिए। बेहतरीन। वाह क्या बात है, ये तो सनसनीखेज है। आर्ट क्रिटिक ने एक पैगाम भेजा है, वो आज रात इस नुमाइश में आ रहा है। सच में वो वाकई आ रहा है, वो आज कुछ देर में ही आ जाएगा। सब कुछ तरतीब से होना चाहिए। फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाएगा। जरा देखो, बेहतरीन तैयारी हुई है। अरे मेरी गलती। परेशान मत हो मरियम, बच्चे इसे साफ कर देंगे। हम घर जा रहे हैं और तुम्हें तैयार भी तो होना है। जल्दी जल्दी सब साफ कर दो। ये केक खाने की जगह है क्या? ये एक हादसा था, देख लो मैं इसे साफ कर रहा हूँ। उबैद रोको इसे, ऐसा मत करो। सुनो उबैद, ये इस्तेमाल करो, बहुत जल्द हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा सालिम। उबैद, ये फर्श को चमका देगा, इसमें क्या बुराई है? बच गए। इस मशीन को दूर रखना होगा। मुझे लगा था कि हम तुम्हारी अम्मी की पेंटिंग से टकराने वाले हैं, ये तो हो जाती बड़ी मुसीबत। हाँ?
दोस्तों अब हम क्या करें? फिर से इसे पेंट कर देंगे। मेरा मतलब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरी बात सुनो, हम सभी अच्छे पेंटर हैं, है ना? आंटी ने खुद ही हमसे कहा था, हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना अपना काम करें। चारा भी तो नहीं है। बहुत खूब बच्चों, अच्छा काम किया। वाकई सब कुछ बेहतर है। दर हकीकत में बहुत परेशान थी और मुझे टेंशन भी बहुत हो रही थी। सब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। क्या बात है बच्चे? देखो वो रही, सबसे मशहूर रंगसाज। बाद में बात करें। शुक्रिया। सब ठीक तो है ना बच्चों? ओह हाँ, शुक्रिया। जी हाँ, शुक्रिया। अम्मी, हमें आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है, अहम है। हाँ, सॉरी मंसूर, तो क्या बात है? देखिए अम्मी, पता नहीं आपसे कैसे कहूँ। दरअसल इसका कहना है कि हमने दरअसल बात ये है कि हुआ यूं कि ओह, आर्ट क्रिटिक आ गए, हम बाद में बात करेंगे। इस पर्दे के पीछे क्या है? मेरा ताजा तरीन काम है, समझिए कि नुमाइश की जान है। क्या आप हमें नहीं दिखाएंगी? ये तो बेमिसाल है। इसके बचकाने खिलंदड़े स्ट्रोक, ये लाजवाब है। ओरिजिनल, हौसले से भरी, निहायत ही जिंदा दिल है। शुक्रिया, मैं अपने 12 साल के फर्जंद और उसके दोस्तों से बहुत मुतासिर हूँ। हाँ, बिल्कुल, ये नौजवानी से लबरेज है और बचपन की मासूमियत भी। हाँ, बहुत खूब, मुझे यकीन है ऐसा काम आगे भी देखने को मिलेगा। समझ नहीं आ रहा, तुम्हें डांटूं या गले लगाऊं? माफ कीजिए अम्मी, ये हमने जानबूझकर नहीं किया, ये एक हादसा था। तीनों ने मिलकर बहुत ही अच्छे से संभाल लिया, सब ठीक हो गया। क्रिटिक को भी अच्छा लगा। हम और भी ऐसे कामों को अंजाम दे सकते हैं अगर आप कहे तो। नहीं नहीं, शुक्रिया। दरअसल तुम तीनों को भी इस तस्वीर में होना ही चाहिए। चलो तस्वीर लो।